अब हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स। मैं एक रिएक्शन पहले लिखता हूं, दिस इज मीथेन कंबाइनिंग विद क्लोरीन। यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं एच न्यू और ये डेल्टा का साइन लगा दिया, एंड आई ऑब्जर्व दैट आई गेट सी एच थ्री सी एल प्लस एच सी एल। और इस रिएक्शन को हर तरीके से कंप्लीट करने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं वन मोल। ओके, अब देखिए एक इक्वेशन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, राइट? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली आपको हर एक एलिमेंट जो है दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। एवरी सिंगल एलिमेंट क्या लिखा है, एवरीथिंग हैज गॉट सम मीनिंग ओवर देयर। मीनिंगलेस नहीं होता है कुछ भी, राइट? बिकॉज एन इक्वेशन इज एक्सप्रेसिंग अ होल प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग। सबसे पहली बात, सर व्हाट इज दिस एच न्यू, व्हाट इज दिस डेल्टा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सी, फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शंस यू नीड टू कीप सर्टेन थिंग्स इन योर माइंड, राइट? यू नीड हेल्पर, हेल्पर, सर व्हाट इज हेल्पर? हेल्पर टू हेल्प यू conduct this reaction. So what is a helper? Here H stands for heat, okay, which you are going to express by the sign delta. E stands for electricity, in organic chemistry we do not have any symbol for electricity, we don't use any symbol, we simply say electrolysis, we use the name of the process. ठीक है, L stands for light, light का सिंबल होता है ये H nu, okay? Planck's equation में था ना E is equal to H nu, यानी कि एक फोटोन हम लोग इसके ऊपर डाल रहे हैं। लाइट डालने का मतलब एक फोटोन डालना, फोटोन की एनर्जी आती है H nu से, दैट इज why वी यूज H nu, okay? P is for peroxides. Peroxides are those compounds which help in the generation of free radicals. ठीक है? और इसको हम लोग express करते हैं ऐसे. ये कुछ गांधी जी के चश्मे जैसा नजर आता है आप लोगों को. ठीक है? Fine. That is peroxide. R stands for radical. Radical माने कोई फ्री रेडिकल जो कि रिएक्शन में पहले से अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग रेडिकल बोल देते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प इन जनरेशन ऑफ अ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो आप बोलेंगे अच्छा सर जनरेशन हो रहा है मतलब फिर क्या और भी स्टेप्स होते हैं इसमें? यस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर देर आर थ्री स्टेप्स। सबसे पहला होता है चेन इनिशिएशन, क्योंकि चेन रिएक्शंस होते हैं जो कड़ी जिसको कहते हैं बन जाना, वन स्टेप फॉलोज द अनदर। फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन, सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपोगेशन, ओके, एंड द थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। ठीक है, सो दीज एलिमेंट्स, ये जो हेल्पर है इसकी रिक्वायरमेंट हमें कहां पड़ती है? वी रिक्वायर दिस हेल्पर इन द चेन इनिशिएशन स्टेप। ओके, चलिए शुरू करते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप से। देखिए चेन इनिशिएशन स्टेप, ओके, अब देखिए ये जो रिएक्शन यहां पर मैंने लिखा है इसी रिएक्शन से पिक करते हैं दैट यू आर हैविंग क्लोरीन मॉलिक्यूल।
अब क्लोरीन मॉलिक्यूल में आप देखें तो ये ऐसे होता है, ये मैं इसका लुईस स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए, है ना, ये देखिए। अब आप लोग सब समझ सकते हैं इस बात को आराम से कि अगर हम किसी तरीके से ये बॉन्ड यहां से तोड़ दें तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हम लोगों को मिल जाएगा, राइट। हमें ये करना है। तो पहला तरीका क्या है, मैं अगर हीट करता हूं तो मैंने यहां पर लिखा डेल्टा, राइट। अब मैं इसको हीट कर रहा हूं तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, सर कितना, थोड़ा सा करूं, ज्यादा करूं, कितना करूं। तो यहां आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ये सभी के सभी गैस फेज रिएक्शन होते हैं। हम लोग यहां पर जब टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो वो टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस एंड अबव की बात होती है। कितना बोला मैंने, 300 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। मैं 25, 30, 40, 50 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। सो द टेम्परेचर इज प्रीटी ह्यूज। और इसीलिए अब आप सोचिए 300 डिग्री की बात करेंगे तो सभी ये रिएक्टेंट जो है वो गैस फेज में आ ही जाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज अ गैस फेज रिएक्शन। तो इतना मैंने जब इसको हीट किया तो ये बॉन्ड टूट जाता है। अनदर मेथड दैट वी एम्प्लॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड हीट। लाइट जो है वो नॉर्मली या तो आप सनलाइट डाल सकते हैं या फिर डिपेंडिंग अपॉन द यू नो नीड, आप अगर यूवी लाइट डालना चाहते हैं, आप एक्सरेज डालना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आप लाइट यूज करते हैं। नॉर्मली सस्ता सुंदर टिकाऊ मेथड इज सनलाइट। सो हीट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके। सो बेसिकली दिस फॉर आर केसेस विल बी रिप्रेजेंटिंग सनलाइट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ओके। अगला तरीका क्या है कि हम लोग यहां पर किसी परोक्साइड का इस्तेमाल करें। तो नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बेंजोइल परोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, बेंजोइल परोक्साइड इज लाइक दिस, ये बेंजोइल परोक्साइड है, ठीक है। अब ये जो बेंजोइल परोक्साइड है ये थोड़ा सा भी हीट मिलता है ना बेटा तो तभी क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है, ये देखिए ये ब्रेक कर गया। ये ऑक्सीजन के ऊपर जो बिंदी मैंने लगा दी है, दिस डॉट बेसिकली शोइंग द फ्री रेडिकल, ओके। तो दो फ्री रेडिकल बन गए आपके पास। Now what happens is, ये free radical जो है ये कैसे काम करते हैं। Now this free radical C6H5 ये chlorine के साथ combine कर रहा है और combine करके this प्लस Cl फ्री रेडिकल ये मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए हीट कैसे काम कर रही है, बॉन्ड को ब्रेक कर रही है। हीट और लाइट का कॉम्बिनेशन नॉर्मली यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी गैस से पास नहीं हो सकती ना, उसके लिए हमें कोई सोल्यूशन चाहिए। और परोक्साइड हमने यहां पर यूज करके देख लिया। और रेडिकल जो होगा वो चेन प्रोपोगेशन के अंदर ज्यादा हेल्प करता है हमारी। एनीवेज तो ये फ्री, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर देखिए ये फ्री रेडिकल प्रेजेंट था, इसने इस मॉलिक्यूल में एक नया फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। सो दिस इज हाउ द चेन गेट्स इनिशिएटेड इन रिएक्टेंट में से, दोनों में से कोई भी एक रिएक्टेंट जो है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द फ्री रेडिकल इन द फर्स्ट स्टेप। ईदर ऑफ द टू रिएक्टेंट शुड बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ फ्री रेडिकल। सो ओवर हियर वी हैव सीन ईदर बाय दिस वे, either by heat or light or a combination of both or by using a peroxide we are getting a free radical. Isko bola jata hai chain initiation, right? Now let us go ahead. Ab hum log baat karte hain chain propagation ki.
चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन में आपको एक बात हमेशा, दो बातें याद रखनी है, दैट इन ईच स्टेप अ न्यू रेडिकल, अ न्यू फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड. दीज आर टू वेरी बेसिक कंडीशंस. सेकंड, इन ईच स्टेप or rather I should say each step, not in each step is exothermic. ये point काफी important है, but not to be considered right now. जो इससे आगे के हमारे sessions हैं उसके अंदर इस चीज को I will be using. Okay? Now these are two most important things for chain propagation step. Let us consider the reaction that is given. कि मीथेन है आपके पास और आप इसका रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे थे, तो सॉरी, तो हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल है जो हमने यहाँ पर बनाया. मीथेन जब क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर रहा है, सो इट इज फॉर्मिंग मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस HCl. अब देखिए ध्यान से, ईच स्टेप अ न्यू रेडिकल इज फॉर्म. देखिए हमारे पास क्या रेडिकल था, क्लोरीन फ्री रेडिकल था, क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल. ओके, अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करता है, दिस कंबाइंस विद Cl2. ये अगला मॉलिक्यूल Cl2 का जो आया हमारे पास. अब CH3 फ्री रेडिकल इस Cl फ्री रेडिकल इस Cl2 के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, CH3Cl, और ये बन गया एक नया फ्री रेडिकल. हर स्टेप में आपको एक नया फ्री रेडिकल, रिएक्टेंट में कोई और होगा, प्रोडक्ट में कोई और होगा, वो आपने यहां देखा. अब ये आ गया आपका प्रोडक्ट. अब यहाँ पर अब आप ये ध्यान से समझेंगे, देखिए कि ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये क्या करेगा, ये वापस जा करके इस C6H5COCl के साथ कंबाइन करेगा और 1Cl2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा. तो पूरे रिएक्शन में हाउ मेनी Cl2 मॉलिक्यूल्स आर यूज, तो आप देखेंगे ओनली 1Cl2 मॉलिक्यूल इज यूज. ठीक है, वही हम लोगों ने रिएक्शन में लिखा है. यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, that these free radical substitution reactions are not done industrially. Industrial processes में हम इनको include नहीं करते हैं. आप पूछेंगे सर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये reaction उतनी आसानी से खत्म नहीं होते जितना हमने बोल दिया. अगर मैंने आपको बोला कि ये ऐसे हो गया खत्म, तो ये गलत बात है. ये reactions अपने आप आगे proceed कर जाते हैं, और वो अपने आप क्यों proceed कर रहे हैं, because each step is exothermic. हर स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है और वो नए स्टेप को एक एनर्जी देती है ताकि नया स्टेप हो जाए. ओके, सपोज करिए इस केस में मैं बोलता हूं कि क्लोरीन का सिर्फ एक मोल नहीं लिया मैंने, मुझे नहीं कुछ दिया गया रिएक्शन के अंदर, यहां पर आप वन मोल मत लिखिए, विच मींस आपने डिसाइड नहीं किया कि कितना लिया गया है. राइट, अगर मान लेते हैं कि क्लोरीन थोड़ा सा भी एक्सेस में हो गया, तो ये रिएक्शन में क्या होगा आगे, देखिए हाँ, इस रिएक्शन में क्या होगा अगर हम वन मोल नहीं लिखते हैं, तो यही CH3Cl, ये जो Cl फ्री रेडिकल है, ये Cl फ्री रेडिकल थर्ड स्टेप के अंदर इस CH3Cl के साथ कंबाइन करेगा बेटा. ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन निकालेगा, यहां आ जाएगा CH2Cl, ये फ्री रेडिकल प्लस क्या बन गया, HCl. ये CH2Cl जो है, ये जो नया फ्री रेडिकल बना, ये अगले क्लोरीन मॉलिक्यूल को, क्योंकि क्लोरीन की कमी तो कोई है नहीं अभी, इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, यहां से क्लोरीन लेगा, क्या बनाएगा, CH2Cl2, साथ में क्या निकल गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल फिफ्थ स्टेप. ये फ्री रेडिकल बना, अब क्या करता है ये फ्री रेडिकल, ये CH2Cl2 पर अटैक करेगा और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, आपको क्या मिलेगा, CH Cl2 फ्री रेडिकल प्लस HCl. अब ये CH Cl2 फ्री रेडिकल जो है, ये अगले क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बनाएगा, साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल निकल जाएगा.
यू सी ये रिएक्शन बंद नहीं हो रहा है, ये तो चलता जा रहा है, ये तो आगे बढ़ता ही जा रहा है. नाउ सेवंथ रिएक्शन सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म के ऊपर ये सी एल फ्री रेडिकल अटैक करता है. ये देखिए यहां से हाइड्रोजन निकाले, इसने हाइड्रोजन निकाल लिया. एट स्टेप के अंदर सी सी एल थ्री रेडिकल जो है ये क्लोरीन के साथ कंबाइन करके सी सी एल फोर बना लेता है सी एल फ्री रेडिकल. अब इसके आगे हाइड्रोजन को रिमूव सब्स्टिट्यूट करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है. देर वर फोर हाइड्रोजन, ऑल द फोर हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड. ये तब तक जाएगा, यानी कि अगर आपने Cl2 को लिमिट नहीं किया देन यू विल गेट दिस प्रोडक्ट ऑल्सो, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट ऑल्सो, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट ऑल्सो. यानी कि आपको एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, और इंडस्ट्रियली हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी मिक्सचर को सेपरेट आउट करना, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है प्रोसेस की. ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को अगर अपने मन के हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करके ही रिएक्ट करवाना पड़ता है. ओके, नाउ सो दिस इज द केस इफ क्लोरीन इज इन एक्सेस, अदरवाइज वी आर गोइंग विद दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. अब देखिए लास्ट स्टेप इसमें क्या होता है बेटा, चेन टर्मिनेशन. चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स बच जाते हैं जो कि अब आगे सब्स्टिट्यूशन शो नहीं कर पा रहे, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी फ्री रेडिकल बच जाते हैं दोज विच आर लेफ्ट आउट विच आर नॉट एबल टू यू नो रिएक्ट फर्दर, वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं. तो यहां पर देर इज नो रूल, जो पॉसिबल है जो फ्री रेडिकल जिसके साथ मिल गया वो कंबाइन कर देगा. ओके, तो अब सोचिए कि यहां अगर मैं बात करूं तो यहां तो मेरे पास बस एक क्लोरीन ही है. दिस क्लोरीन विल कंबाइन विद द बेंजोइल परोक्साइड जो हम लोगों ने लिया था एंड विल गिव यू C6H5CO. यहां पर आ जाएगा OCl, O फ्री रेडिकल प्लस Cl2, और ये जो बेंजोइल परोक्साइड था ये अपने आप से वापस कंबाइन कर जाएगा एंड विल गिव यू C6H5CO C6H5. यानी जो आपने रिएक्टेंट लिया कैटलिस्ट लिया था दैट यू विल बी गेटिंग बैक, आपको वापस मिल जाएगा. राइट, फाइन, दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल थे, एक वापस मिल गया, सो ओनली वन इज यूज्ड. बट अगर ये केस होता है तो क्या होगा, इन दैट केस आई एम जस्ट राइटिंग कि क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं. देखिए ये CH2Cl2 है, हो सकता है ये CH2Cl जो है ये अपने साथ ही कंबाइन कर जाए, दैट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट. ये CHCl2 है, हो सकता है ये आपस में कंबाइन कर जाए. ठीक है, ये CCl3 है, हो सकता है ये आपस में कंबाइन कर जाए. अभी तो इनका म्यूचुअल कॉम्बिनेशन है, अब ये इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, ये इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है. तो देर आर इन यू नो अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिनकी यहाँ पे टर्मिनेशन स्टेप में पॉसिबिलिटी होती है. राइट, सो दिस इज व्हाई वी हैव टू रियली कंट्रोल दिस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स हैं, एक चेन टर्मिनेशन है जहाँ बचे हुए रेडिकल जो रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, चेन प्रोपगेशन, हर स्टेप में एक नया रेडिकल बनेगा, हर स्टेप एक्सोथर्मिक है. राइट, और पहला है चेन इनिशिएशन स्टेप जिसके अंदर हम लोगों को किसी हेल्पर की जरूरत पड़ती है. राइट, जैसे कि आप लोगों ने देखा हीट की, लाइट की, परोक्साइड की, रेडिकल की. ओके, सो दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स. ये बेसिक लेवल की डिस्कशन है, इसकी नेक्स्ट हायर लेवल की डिस्कशन विल बी आफ्टर दिस. ओके.